आज सिरसाने का मुख्य उद्देश्य था सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जो टीम है उसको पूर्ण रूप से सक्रिय करना। भविष्य में सरकार जो लगातार नीतियां अपना रही है, खासकर कर्मचारी विरोधी, जनता विरोधी और जो शोषण पर आधारित कार्यक्रम चलाए हुए है, सभी विभागों को एक तरफा घोषणा करके प्राइवेट करने की जो योजना है, चाहे उसमें रोडवेज की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे जनस्वास्थ्य विभाग की बात हो, इस तरीके से करके ना सभी विभागों को धीरे धीरे करके उनको बंद करना चाहती है। रोजगार के जो अवसर हमारे को मिलते थे पूरे हरियाणा में, आज जो लाखों लोग पद खाली पड़े हैं उनके बदले जो भर्ती करने की बात थी उसके में कौशल रोजगार निगम को लाके लोगों का शोषण करने की जो प्रक्रिया चलाए हुए हैं, विशेषकर बिजली के विभाग में, पब्लिक हेल्थ में, रोडवेज में और यहाँ तक कि शिक्षा, इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है हमारा स्वास्थ्य, जो सरकार की जिम्मेवारी है स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, उसमें भी NHM के नाम पे और कौशल के नाम पे लोगों को भर्तियाँ करके बहुत ही कम वेतन में, बहुत ही मिनिमम वेज टाइप का लागू करके और स्थायी रोजगारों को ख़त्म करने की जो योजना सरकार ने बनाई हुई है उसके खिलाफ अब शिक्षा नीति 2020 को जो लागू किया है उसकी वजह से स्कूल के स्कूल बंद हो गए, स्कूल खाली हो गए, कहीं पे अध्यापकों की छात्रों के जैसे छात्रों के ऊपर जितने अध्यापक होते हैं अध्यापक नहीं बचे और उसके बदले में स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। उसके लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित जो हमारा अध्यापक संघ है उसने फैसला किया 29 तारीख को जींद में रैली करेंगे, उसकी तैयारी के रूप में भी आज हम यहाँ आए हैं। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान और जिला के सक्रिय साथी आए हैं, वो 29 तारीख को जींद में होने वाली रैली किस तरीके से कामयाब हो, सिरसा से ज़्यादा साथी कैसे जींद पहुँचें, इसकी तैयारियों के रूप में आज हम यहाँ आए हैं। और उससे पहले बिजली के लोग भी सिरसा में आगे प्रदर्शन करके गए थे, उसके बाद भी सरकार ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। कौशल रोजगार निगम पहले से ही बिजली विभाग का जो निगम है वो निगम है, बिजली का बिजली विभाग एक निगम है, उसमें भी कौशल विभाग के निगम के तहत लोगों की भर्तियां करेंगे, हमारे वेतन घट रहे हैं लगातार, बहुत ज़्यादा वेतन में फर्क है, उसके बाद भी उसको थोपा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और भविष्य में बड़ा आंदोलन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के झंडे तले बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, इसको रुकवाएंगे।